हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट डिजाइन करेंगे यूजिंग सिलेक्टर स्विच। तो हमारा इंडक्शन मोटर दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन। इसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोलते हैं। अभी मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो सप्लाई आ रहा है मोटर को, उसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको थ्री फेज का सप्लाई जो मोटर को हम लोग दे रहे हैं, उसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक मोटर है जिसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो इसके लिए आर वाई बी का सीक्वेंस हम लोगों ने यू वी डब्ल्यू वाइंडिंग को दिया है। अभी हम चाहते हैं कि मोटर का डायरेक्शन चेंज करें, इसके लिए क्या करेंगे, आर सप्लाई एज इट इज देंगे, वाई और बी के सप्लाई को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब बी को हम लोग वी से कनेक्ट करेंगे और वाई को डब्ल्यू से कनेक्ट करेंगे। इस केस में हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसी कंसेप्ट पे हम लोग अपना सर्किट डिजाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पार्ट है, एक पावर सर्किट और दूसरा कंट्रोल सर्किट। सबसे पहले पावर डायग्राम देखते हैं। आर वाई बी का सप्लाई हम लोग लेंगे, उसको एमसीबी या एमपीसीबी से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद कनेक्टर हम लोग यूज करेंगे, एक कनेक्टर C1 जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को मूव कराएगा, और दूसरा कनेक्टर C2 जो कि मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टर का यूज आर वाई बी के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए किया गया है। यहाँ पे आर वाई बी का सीक्वेंस है और C2 में आर बी वाई का सीक्वेंस है। इसके बाद ओवरलोड यूज करेंगे। ओवरलोड के आउटपुट का वायर हम लोग मोटर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से पावर डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी जब हम लोग C1 को ऑन करेंगे तो ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा और इसका कांटेक्ट NC में हो जाएगा और मोटर को RYB का सीक्वेंस जाएगा। सिमिलरली जब मोटर को रिवर्स में ऑन करेंगे तो C2 ऑन होगा और सीक्वेंस जो रहेगा वो आर बी वाई का रहेगा। इस केस में C1 आपका ऑफ रहेगा तो आपका सप्लाई पॉइंट यहाँ पे ओपन रहेगा और शॉर्ट होने का खतरा नहीं है। इस सर्किट में हमको ये ध्यान रखना है कि C1 जब ऑन रहेगा तो C2 ऑफ रहेगा, सिमिलरली C2 जब ऑन रहेगा तो C1 ऑफ रहेगा। दोनों एट ए टाइम अगर ऑन हो जाएंगे तो आपका सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए अभी कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए आर फेज का सप्लाई लेंगे और उसको ओवरलोड के NC से कनेक्ट कर देंगे। अभी यहां से एक वायर टैप करेंगे और उसको ऑफ पुश बटन से कनेक्ट कर देंगे और ये भी NC में ही रहेगा। इसके बाद ऑन पुश बटन कनेक्ट करेंगे और ये NO में रहेगा। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स को ऑन करने के लिए एक सिलेक्टर स्विच यूज करना पड़ेगा। इसमें दो पोजीशन है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। पोजीशन 1 फॉरवर्ड के लिए और पोजीशन 2 रिवर्स के लिए, और 0 पोजीशन पे आपका मोटर ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले फॉरवर्ड का सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे C2 का NC कांटेक्ट यूज करेंगे और उसका आउट कॉइल को कनेक्ट कर देंगे C1 के। यहाँ पे C2 का क्या यूज है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी रिवर्स डायरेक्शन के लिए सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उसको भी सेम एज इट इज बनाएंगे। इस तरीके से हमारा सर्किट नियरली कंप्लीट हो गया है। अभी सिलेक्टर स्विच को किसी एक पोजीशन पे जब रखेंगे और आप ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो पार्टिकुलर कनेक्टर आपका ऑन होगा। सपोज सिलेक्टर स्विच 1 पोजीशन पे है तो ये NC हो जाएगा, इधर का लाइन पूरा NC था, और जब ऑन पुश बटन आप प्रेस करेंगे तो C1 आपका ऑन हो जाएगा। बट इस सर्किट में होल्ड ऑन नहीं है तो ऑन पुश बटन के क्रॉस हमको होल्ड ऑन देना पड़ेगा। तो हम लोग C1 और C2 का NO कांटेक्ट इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से सर्किट रेडी हो गया है। और यहाँ पर C2 और C1 का NC कांटेक्ट इसलिए यूज किया गया है कि सपोज आपका C1 ऑन है तो C2 नहीं ऑन होगा, और C2 ऑन है तो C1 नहीं ऑन होगा। और इस सर्किट में एक ऑफ पुश बटन है, एक ऑन पुश बटन है और एक सेलेक्टर स्विच है, और सेलेक्टर स्विच का यूज डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर
इसी सर्किट में अगर आप चाहते हैं कि मोटर को ऑन ऑफ और उसका डायरेक्शन सेलेक्टर स्विच से ही करें, तो इसके लिए हम लोग सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। इस केस में ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट करने से हमारा मोटर डायरेक्टली सेलेक्टर स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। पोजीशन वन पे C1 ऑन होगा, पोजीशन टू पर C2 ऑन होगा और पोजीशन जीरो पर आपका सर्किट ऑफ रहेगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सेलेक्टर स्विच के हेल्प से आप अपने मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में किस तरीके से रन करा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिकल पैनल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली पोल चेंजिंग स्विच से भी फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। इस केस में सप्लाई साइड में ही RYB का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं और अपने मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रन करा सकते हैं। ये स्विच आपको लेथ मशीन में देखने को मिल जाएगा, जहां पे डायरेक्टली इस स्विच के मदद से आपका मोटर फॉरवर्ड रिवर्स में रन किया जाता है। इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।